तो कल सुबह 6 बजे बुरा किस्सा है कि ईपी लॉन्च हो गई थी और आज सुबह उठते ही देखा कि कभी कहना चाहते हैं अचानक से क्या आ गया क्या नहीं कुछ नहीं पता और ये गाना SOSX 33 की तरफ से तो पता नहीं चल रहा क्योंकि अभी DHH में सुबह कुछ आ रहा है रात को कुछ आ रहा है दोपहर को कुछ आ रहा है सब चीजें आ रही है सब एक से एक बढ़िया आ रहा है किसको कवर करे किसको छोड़ दे पता ही नहीं चल रहा है गाइस और कब किस पे ध्यान दे पहले तो 12 बजे शाम को गाना आता था पता चलता था लेकिन अभी तो कभी भी डाल दे रहे हैं और कभी भी कोई भी समय में डाल रहे हैं तो पता ही नहीं चलता कि क्या करें। 2 बजे भी आता है सुबह 6 बजे भी आता है दोपहर को 12 बजे भी आता है क्या करें कब डाल रहे हैं उनको पता ही नहीं है। चले गाइस तो कभी कहना चाहते हैं क्या किया हुआ है SOS भाई ने हेडफोन्स लगा देते हैं उसके बाद देखेंगे क्या कभी कहना चाहते हैं। चले गाइस 3, 2, 1 विद गो। जब हमने मोहन से बात की कि भाई ये कॉन्सेप्ट है मोहन ने भी बोला था नहीं ब्रो ऐसा कुछ नहीं है ये करके बोला था ना उसने और उसके बाद एक बार तुम वही था कि जब तुमने आई थिंक नाम से नमस्ते इसके वन ऑफ द सॉन्ग उसके बाद ये गाइस जो पॉडकास्ट है सेवक साड़ी की चैनल पे उसकी उनकी क्लिप है उसमें उन्होंने जो बात की थी कि हमारा कॉन्सेप्ट जो चुराया हुआ है वो उनका ऑडियो है एंड पीछे लिखा हुआ है जो एक लड़के के हाथ में है वो बोर्ड द एंड इज नियर वन ऑफ द सॉन्ग उसके बाद लाइक तू भी मतलब हमारा भी वो चल रहा है एल्बम की बात हो रही है क्या कर रहे हो कितना लिख रहे हो वगैरह और तूने को बोला था इनसे पूछ एंड मैंने यहाँ तो काम से पूछा रहे हूँ कि ब्रो क्या सीन है बिकॉज़ आई थिंक देयर आर सिमिलर कॉन्सेप्ट्स कैन यू गाइस एंड यही जवाब आया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है का सड़क छाप या बातें घुमा के बस करता है बात एंथम में बनता है अजमल का साहब तू मुझे कैसे बोलेगा पत्थरबाज मैं पत्थर नहीं मारू पर तोड़ूंगा कांच तू बसंती बनती जो मुंह बोले नाच दो ही कम दो दुनी चार पर मुंह बोले पांच तो दो दुनी पांच अजा भाई रखूं मैं हाथ कुरान पे जो भी तू बोला वो सच नहीं जो भी खबरी तेरा खबर पहुंचा दे उसे तेरी खबरें है सच नहीं फोन को हैक करने वाली बात और न्यूज को लीक करने वाली बात किधर से लाया तू वही मातर साथ में खड़ा हूँ लेके अप्रूव भाई यू कॉल मी ओके मैं यहाँ पे तू बोल रहा है कि तू सच्चा मुसलमान है तो कुरान पे हाथ रख के बोल तो बोल रहा है कि मैं कसम खाता हूँ कुरान पे हाथ रख के कि ये बात सच नहीं है जो ये लड़की के नोट्स शेयर करने वाली है और जो लड़कियों के घुमाने वाली बात है कौन है तेरा खबरी और कौन है वो जो भी खबर तेरा खबर पहुंचा दे उसे तेरी खबरें है सच नहीं फोन को हैक करने वाली बात और न्यूड्स को लीक करने वाली बात किधर से लाया तू वही मातर साथ में खड़ा हूँ लेके अप्रूव भाई यू कॉल मी टेररिस्ट मदरफकर नहीं सोचा था इतना तू गिरेगा मेरी छाती पे किधर से देखा निशान तू आज जैसे निशान सोचेगा तेरी गंदी खांसी ओके ये लोग कह रहे हैं मुझे आतंकवादी मुझे मैंने नहीं सोचा था कि तू इतना भी नीचे गिरेगा और तूने मेरी छाती पे कहां पे देखा हुआ है टैटू मतलब कि तू मुझे ऐसा इतना तू गिरेगा मेरी छाती पे किधर से देखा निशान तू आज जैसे निशान सोचेगा तेरी गंदी खंजीर सी काटू जुबान है जिड़ा दोबारा तू बोलेगा तू जल्दी ले समझ कि वो भी इंसान वरना तू किन्नरी से पिटेगा मुझे पता तेरा प्रोपेगेंडा पर मैं कूद नहीं हूं तू किन्नरी से पिटेगा तू किन्नरी से पिटेगा ये कोई लड़की का नाम है या फिर क्या शॉट चल रहा है गाइस पता नहीं चल रहा मेरी छाती पे किधर से देखा निशान तू आज जैसे निशान सोचेगा तेरी गंदी खंजीर सी काटू जुबान है जिड़ा दोबारा तू बोलेगा तू जल्दी ले समझ कि वो भी इंसान वरना तू किन्नरी से पिटेगा मुझे पता तेरा प्रोपेगेंडा पर मैं कूड़ नहीं हूं बेटे मैं ना झूठ सहता तेरे दिल वाले गाल पे मैं घुसू चैंटा तेरी लेगेसी बिगाड़ा कौन बेटे वो मैं था मुझे पता तेरा प्रोपेगेंडा तू नहीं बेस्ट इन द बिस्ट तेरे मुंह पे कहता था निकाना तेरा डिस था कश्मीर एजेंडा इसको जेल में घुसा के मारो कैन पे डंडा ये वो वाला है एक माना जिससे धंधे जो फ्लो है ना एंकर वाई का फ्लो है याद है ना तुझे कौन सा गाना है यार मुझे वो भी याद नहीं यही फ्लो में सोचेगा तेरी गंदी खंजीर सी काटू जुबान है जिड़ा दोबारा तू बोलेगा तू जल्दी ले समझ कि वो भी इंसान वरना तू किन्नरी से पिटेगा मुझे पता तेरा प्रोपेगेंडा पर मैं कूड़ नहीं हूं बेटे मैं ना झूठ सहता तेरे दिल वाले गाल पे मैं घुसू चैंटा तेरी लेगेसी बिगाड़ा कौन बेटे वो मैं था मुझे पता तेरा प्रोपेगेंडा तू नहीं बेस्ट इन द बिस्ट तेरे मुंह पे कहता था निकाना तेरा डिस था कश्मीर एजेंडा इसको जेल में घुसा के मारो कैन पे डंडा ओके मतलब कहना चाह रहा है कि तेरी सब जो प्रोपेगेंडा जो चल रहा है मुझे सब कुछ पता है तू क्या करना चाहता है और तू कश्मीर को निशाना बना रहा है तेरा प्रोपेगेंडा वो था और हिंदू मुस्लिम का था इसलिए मुझे पता है कि तू क्या करना चाहता है और तेरे तेरे जो लेगेसी पे है
वो एक बाप खड़ा था और वो जो वो था जो वो मैं तूने बेस्ट इन द बिस्ट तेरे मुंह पे कहता था निकाना तेरा डिस था कश्मीर एजेंडा इसको जेल में घुसा के मारो कैन पे डंडा हिंदुस्तान की कसम ये हारा मेरी जीत नहीं इनसे गवारा हो रही अवाम को खाली पटकारा नहीं चूचो पे सोएगा अब ये दोबारा बैंड का करवाना चाहता बंटवारा सूरमा कह के ये मजहब पे जा रहा बॉट्स को पैसे दे के बैठा साला देश में नफरत की आग फैला रहा चल छोड़ दो हिंदुस्तान की बातें कर रहा है उसके बाद कह रहा है कि ये साला बॉर्ड्स को वैसे देख के बैठा है तो इसीलिए ये सारी चीजें आ रही है और प्रोपोगंडा बिठाना चाह रहा है और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बातें कर रहा है दिल में घुसा के मारो कैन पे डंडा हिंदुस्तान की कसम ये हारा मेरी जीत नहीं इनसे गवारा हो रही अवाम को खाली पटकारा नहीं चूचो पे सोएगा अब ये दोबारा बैंड का करवाना चाहता बंटवारा सूरमा कह के ये मजहब पे जा रहा बॉट्स को पैसे दे के बैठा साला देश में नफरत की आग फैला रहा चल छोड़ दू मेरी अब करनी मैं बात लेबल से निकला था बता क्यों राग प्रभ की करो ही कोई ना तुम बात बोल हुआ क्या 4x4 के साथ इजाजत ले फिर लेना अहमर का नाम वापस आया हाँ वो ही तो है कांच के घर में बात की थी एंकोर भाई ने उसके बाद फिर से प्रॉप की बात कर रहा है कि तू लेबल में उसकी वजह से नहीं निकला था कुछ तो 4x4 बाद वो जब बोले क्या है पता नहीं है साला देश में नफरत की आग फैला रहा चल छोड़ दू मेरी अब करनी मैं बात लेबल से निकला था बता क्यों राग प्रभ की करो ही कोई ना तुम बात बोल हुआ क्या 4x4 के साथ इजाजत ले फिर लेना अहमर का नाम है सच्ची वो बड़े अब्बा की औलाद पर तेरा नहीं पता तो किसकी औलाद तू टॉपिक ना फ्लिप करिए ना कोई कार्ड तू किसी की बात ना फ्लिप कर तू किसकी हिंदी औलाद बात बोल हुआ क्या 4x4 के साथ इजाजत ले फिर लेना अहमर का नाम है सच्ची वो बड़े अब्बा की औलाद पर तेरा नहीं पता तू किसकी औलाद तू टॉपिक ना फ्लिप करिए ना कोई काट जरा भी ये खून में तेरे खराबी है सच ना बोले जरा भी ये पेट पे भाई आजादी भाई छोड़ दो क्या है फ्लो लेके भाई रैपर कम ज्यादा शराबी है खून में तेरे खराबी है सच ना बोले जरा भी ये पीठ पे मेरे तो नाली है दोनों को पहलू मैं दोनों को खा जाए हमें क्या पत्थरबाज बोले तू बच्चा है सच्चा है बोल फिर बंदी ने आईजी पे डाली थी स्टोरी जो कहती थी मुझे वो एपीजे बच्चा है काफी निहाय तो हम लोग को पत्थरबाज बोल रहा है तू हम लोग को ये सब बुरा दिखाना चाह रहा है तो तेरी बंदी ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी और बोला था कि एंकर तो अभी बच्चा है वेट पर कम ज्यादा शराबी है खून में तेरे खराबी है सच ना बोले जरा भी ये पीठ पे मेरे तो नाली है दोनों को पहलू मैं दोनों को खा जाए हमें क्या पत्थरबाज बोले तू बच्चा है सच्चा है बोल फिर बंदी ने आईजी पे डाली थी स्टोरी जो कहती थी मुझे वो एपीजे बच्चा है काफी निहायत थी बंदा है एपीजे बता तू अभी तक कितने का कटा तू अभी तक तुझसे छुपा ही पाते लेकिन आज मैं वो सारी बता दूं चैट से मेरे पे सारी की सारी वो वीडियो के आगे मैं लगा दूं बंदी ने तुम्हारी आपस में कहती थी दोस्त एपीजे मजा लो बंदा है बंद तेरा ओके मतलब अभी तो पूरा जा रहा है कि अभी जो चीजें मेरे को पता थी अभी नहीं कहना चाह रहा था लेकिन अभी तो बताऊंगा तेरी बंदी मेरे को आके कहती थी कि वो तो मेरा से दोस्त है मैं उसकी मजा ले रही और जो भी मेरी से बात हुई है मतलब जो भी मेरे सब कुछ है वो सब मेरे कुछ बाहर आएगा और कह रहे खत्म होने वाला है अभी जो भी मेरे साथ हुआ है मतलब तेरे को जो बोल रहे थे उसके सारे स्क्रीनशॉट में अभी अपने गानों में शेयर करना अभी तक तुझसे छुपा ही पाते लेकिन आज मैं वो सारी बता दूं चैट से मेरे पे सारी की सारी वो वीडियो के आगे मैं लगा दूं बंदी नहीं तुम्हारी आपस में कहती थी दोस्त है बीजे मजा लो धंधा है बंद तेरा लेबल कहां तेरा चलो एक मिनट में तो हाइप ले रहा बाकी और भी आर्टिस्ट है काम पे ना जिनके पैसों से बना तू खुद से ना बे कांड में डालिए एलिगेशन तुझसे मिलने में आऊंगा पुलिस स्टेशन दोनों पागल हो चुके हैं नशे करके जा पहाड़ों पे कर गया मेडिटेशन अबे बहन की शर्म कर ओके तू ये जब कर रहा है तेरा लेबल कहाँ है बंद हो चुका है बंद हो चुका है और तेरे जैसे तो कितने भी आर्टिस्ट है यहाँ पे और तुझे तो मैं पुलिस स्टेशन मिलने आऊंगा क्योंकि ये सारे नशेड़ी नशा कर करके खत्म हो चुके हैं उनको पता ही नहीं है और हम लोग पहाड़ पे नशा करते और हम पहाड़ पे मेडिटेशन करते हैं पुलिस स्टेशन दोनों पागल हो चुके हैं नशे करके जा पहाड़ों पे कर गया हूं मेडिटेशन अबे बहन की शर्म कर टेस्ट के नाम पे फैलाता हेट तू आके बदाम ले थोड़ा सा काम ले छोटे दिमाग से इतना भी झूठ मत बोल अवाम से काम से लेता तू खाली बस काम में काम ना होता तो होता ना यहाँ पे तेरी घर वाली है मेरे मकान पे बदनामी हो रही है तेरी बाजार में उदय का नाम ले मुंह संभाल के उदय से बना तू मुंह पे लगाम दे देश की बात अल्लाह ना जबान पे पितरी की बैटल ना तुझे अब याद है मेरे से पहले भी थे तुम आजादी में मेरे थे जाने के बाद वहीं पे तले हमें बोले तेज द्रोही जात कश्मीरी होना यहाँ गलत है 7 साल का वेट गाइस वेट तू हमको गलत कर रहा है भाई तू मतलब अपने ऐसे नेशन का नाम मत ले उसकी वजह से ही तू आज है तू आज है ये एंकोर को बोल रहा है और
काम की बात हो रही थी कि काम नहीं होता तो एनकोर आज यहाँ पे नहीं होता, नहीं होता। हाँ, वो दो बात हो रही है। तू है, तू था उससे, उसके बाद हम आए थे और तू था उसके, उसके तू जाएगा उसके बाद भी हम रहेंगे, हम रहेंगे। तो तू मत ऐसा कर। और तू कश्मीर को क्यों बीच में ला रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कश्मीर में पैदा होना ये गुनाह है, तो कश्मीर को क्यों इसे बीच में ला रहा है? और देश को मत ला, वरना B3 बैटल तुझे याद ही होगी, जो निर्भया वाली जो बातें हुई थी B3 बैटल में, उसकी बातें कर। देश की बात न लाना जबान पे, B3 की बैटल ना तुझे अब याद है, मेरे से पहले भी थे तुम आजादी में, मेरे थे जाने के बाद भी वहीं पे तले, हमें बोले तेज द्रोही जात, कश्मीरी होना यहाँ गलत है, 7 साल कश्मीर से बाहर में, दिल्ली की सड़कों पे नाके लगा के तुझे से चूतिए, यहाँ भी बहुत से फैक्ट्स को छोड़ के बातें बनाते, लीक की बात तब करेंगे बैठ कर, मुझे सबूत दे आके डिबेट कर, वरना फिर कोर्ट में मिलेंगे दोनों भाई, दुनिया भी जानेगी कौन ने हैक करे इनसिक्योर। वेट वेट गाइस, कहाँ जा रहा है यार, कहाँ जा रहा है? कह रहे हैं तू पर्सनल हो गया है भाई, क्योंकि तू बोल रहा है, तू लिक्स की बात कर रहा है, तू ऐसा ऐसा बोला है सब कुछ, तो फिर आना दिखा ना भाई लाइव में, आके दिखा मेरे को कि क्या है तेरे पास प्रूफ्स कि हम आतंकवादी हैं, हम पत्थरबाज हैं। तो कोर्ट में मिलेंगे, हाँ यहाँ पे नहीं मिलने तो कोर्ट में मिलेंगे, और कोर्ट में तेरे से क्लियर करवाएंगे कि क्या शॉट्स है। जैसे चूतिए, यहाँ भी बहुत से फैक्ट्स को छोड़ के बातें बनाते, लीक की बात तब करेंगे बैठ कर, मुझे सबूत दे आके डिबेट कर, वरना फिर कोर्ट में मिलेंगे दोनों भाई, दुनिया भी जानेगी कौन ने हैक कर। इनसिक्योर थे लौंडे ये दोनों, तुम चलते थे प्रब से अंदर ही अंदर, फिर पेट प्रमोशन कर रखे ये मुंह से, लेवल में चलाते थे ये स्कैंडल, तुम सीखे है उसी से माइक पे चढ़ना, बाप तुम्हारा वो चुके और चरण सुनना, बीबी वक्त काम तू बदल ले साइड, तू जानता सच है किधर, तो हिजड़ा बोला मुझे हट साले, आखिर वो भी तो होते हैं इंसान, अब ताली बचाऊंगा तेरी मैं, मौत मैं करूंगा तुझे भी रसवा, बहुत सर चाहिए तुझे तेरे ही शहर में, कान में देना कोई डंडा, और हमें तुम्हें ना कुछ दे दिया सालों, कैंसल सारा प्रोपेगेंडा। वेट वेट, कह रहे कि काम तुझको भी पता है कि तू कौन, गलत तुम लोग ही, टाइम है तेरे पास, तू साइड बदल, चेंज कर सकते, तेरे को भी सब सच मालूम है, और प्रभ से तुम लोग जल रहे थे इसलिए तुम लोग लेबल में से निकले हो, और तुम लोग क्या बोला, लेबल में पेड प्रमोशन करवा के उसके लिए उसके खिलाफ सब बातें कर रहे थे, इसलिए जो भी कहना आ जाओ, और तू मुझे हिजड़ा कह रहा था तो अभी ऐसी ताली बजाऊंगा तेरी, ये भी याद रखेगा मुझे। ओके, थर्ड पार्ट शुरू। And it's just them deciding ki kya hai. It's never gone past that one. It wasn't a very inclusive space, you know. It's we are one, we are Azadi, London. So it was always about just keeping this very, the kind of a groupism was going on there, you know. It was always like, I always felt like an outsider there, you know? And I was treated as one also. I didn't feel like I could grow there. Even if I could, they wouldn't let me, for sure. And it's very obvious by the things they did and are still doing. It's a Ponzi. Okay. SSJ बोल रहा है कि सब लोग सपोर्ट तो कर रहे थे, पर मैं वहाँ पे ग्रो भी हो रहा था, पर कोई चाहता नहीं था कि मैं ग्रो हूँ। सब लोग नीचे गिराने की बातें कर रहे हैं। And it's very obvious. By the things they did and are still doing. It's a Ponzi scheme, bro. That Azadi Records is. It's an actual Ponzi scheme. People who have invested in that know it's a Ponzi scheme, bro. And sooner or later, was gonna get called out for this shit, bro. क्या है beef? मार के सजूद को बताना क्या है beef? वंडर. My. Wait, guys. जो animation और आए हैं. तू fuck भाई आए हैं. जाना क्या है बीफ, कुछ भी बोल दे, कश्मीरी है ये साला, क्या है बीफ, जरा स्कैल देम, वीडियो चलाना, असल देशद्रोही है ये लड़का, भोसड़ी का पाड़ा लगता ट्रैक, ये अंडर एज कूड़िया पटाता इस ट्रैप, इनके बड़े नाम पे ना जाना, क्लिक बेट बोला पहले ये, फिर दो दो डिस निकाला, यूट्यूब अजी रेडिट पे इसके खिलाफ सब कुछ अटवारा, कुछ लोगों को पैसे ऑफर करके इनको ये मंगवारा, इसकी नींदे जीनी मैंने, इसको आता नहीं आराम अब्बा, ओए ओए पत्थर पास, ये लड़का है वो मतलब क्या बोला कि वो लड़का है जो बुरा है, बहुत बुरा है,
तो आप लोग इसको मत बोलो, उसने बोला था कि डिश नहीं निकालूंगा, उसके बाद उन्होंने दो डिश निकाल दिए और अभी यूट्यूब पे पैसे देके इनके बड़े नाम पे ना जाना क्लिक बेट, बोला पहले ये फिर दो दो डिश निकाला, यूट्यूब अजी रेडिट पे इसके खिलाफ सब कुछ अटवारा, कुछ लोगों को पैसे ऑफर करके इनको ये मंगवारा, इसकी नींदे चीरी मैंने इसको आता नहीं आराम पा। ओए पत्थर बाज शैतान ने तू बड़ा फेंकू पत्थर बाज, मैं शैतान ने ये सारे जब देखी अम्मा चल बसी, इनको ना पड़ा फर्क इनको शोहरत का बुखार है, और एनआरआई का चौदह क्या बोल रहा, हम स्प्लिट हुए चोरी का कमीशन लेके होता फरार है, जीआरजीआई पे सो रहा था हमारे अपनी जेबों को भर के उड़ता था लोड़ू बिजनेस क्लास में, जाके पूछो तुम्हें निखिल से आजादी क्या, जाके पूछो तुम्हें अली से आजादी क्या, जाके पूछो तुम सोफायर से आजादी क्या, जाके पूछो इसके अपनों से आजादी क्या, कुछ मतलब ये एनआरआई का चोचला मुझे आके सिखा रहा है, जब मेरी माँ मरी थी तब ये सब हुआ था, तब कहाँ पे थे ये लोग, को सिर्फ पैसे की भूख है, पैसे के पीछे भागते हैं, और ये चार नाम बोले, चार आर्टिस्ट मुझे ऐसा लग रहा है जो आजादी रिकॉर्ड्स में थे, उनको जाके पूछो आजादी आजादी क्या? क्या है आजादी क्या है। जीआई पे सो रहा था हमारे अपनी जेबों को भर के उड़ता था लोड़ू बिजनेस क्लास में, जाके पूछो तुम्हें निखिल से आजादी क्या, जाके पूछो तुम्हें अली से आजादी क्या, जाके पूछो तुम सोफायर से आजादी क्या, जाके पूछो इसके अपनों से आजादी क्या, कुछ इनसे डरते उनको खौफ है आजादी का, इनके फर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में आजादी का, ये मुनी लगता इसको खौफ है तलाशी का, ये ले जश्न अब आजादी की बर्बादी का, तेरी फैन बेस में फिल्टर लाया SOS, सो मैं से तुझसे 30 स्क्रीन जीना SOS, ले इंटरव्यूज का मौजू है तेरा SOS, फिर से दिखना नहीं शूट ऑन साइड करे SOS, GBA से मतलब तटे बने पता ही नहीं चल रहा है, और ये कह रहे हैं कि तुम लोग के जो आजादी के साथ जो साइन हुए कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, फ्रॉड है, सब कुछ फ्रॉड है, तुम लोग क्यों किसी को डरा रहे हो, और वो आजादी से जो लोग डरते हैं, जो इनके उनसे डरते हैं वो आजादी से, इनके फर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में आजादी का, ये मुनी लगता है इसको खौफ है तलाशी का, ये ले जश्न अब आजादी की बर्बादी का, तेरी फैन बेस में फिल्टर लाया SOS, सो मैं से तुझसे 30 स्क्रीन जीना SOS, ले इंटरव्यूज का मौजू है तेरा SOS, फिर से दिखना नहीं शूट ऑन साइड करे SOS, जीबीए से मतलब टटे SOS, suit on side करे SOS, suit and side तेरा SOS, फिर से दिखना नहीं shoot on side करे SOS, TBS से मतलब टटे बने सीधे मौत टट्टी बचे shitty moose टेढ़ी भुंड सड़ा मुंह, TBS हम तेरा भाई सीधे मुठ दिल्ली को प्यार पर SM को तू फैल भेजे सीधे मौत नीचे पास मन हमें हम दे तेरा भाई सीधे मुठ मतलब तेरा TBS है मतलब तेरा भाई टट्टे बने सीधे वो सीधे मौत टट्टी बचे शिटी मूछ टेढ़ी भुंड सड़ा मुंह, टीबीएस हम तेरा भाई सीधे मुठ दिल्ली को प्यार पर एसएम को तू फैल भेजे सीधे मौत नीचे पोत माना मैं हम है परे नीचे पोत, आजादी से लेके पैसा तूने भी तो दिए शॉट्स नटखट में, पहले बोला आलमगार नहीं सुना फिर क्या था शॉट आउट था तो फैल को ये खटमल है, सिर्फ गानों में ये हार्ड रियल लाइफ में ये मखमल है, उम्र में बड़ा हमसे पर रकल से अकमल है, स्टोरियों में रो रहा ये बच्चों की तरह ये चटक चुका सर के बल के राता शायद बचपन में, रोक ना पाएगा साथ तवा मैं खड़ा और मेरे पे दुआ, तेरे गाने चलेंगे नगर वालों के बीच में लगे बद्दुआ, ये मन मुंडा नसरा ये मन ना पोशिका कोशर पापो का फटा वन ये मन ने रिजा कोशर पाप यू तो बहुत दुखना कोचे का कोशर पाप कुछ को बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, कितना कुछ देखा इन दिनों, शायद अब तुम्हें समझ आएगा कि व्हाट वी हैव बीन थ्रू ऑल दीस इयर्स बिकॉज़ ऑफ देम, इट्स अ ब्लडी गेम नथिंग एल्स, हमारी मेहनत हमारा काम, इट्स अ ब्लडी गेम, मगर अब नहीं, और तुम जो चुप हो क्योंकि ये फेमस है, स्पीक अप बिफोर इट्स टू लेट, ओके इंडस्ट्री गेम्स आर डन, और इन सबको बचाना अब बहुत ही मुश्किल है, जोर से बोलो जोर से बोलो जोर से बोलो जोर से बोलो, फेवरेट रैपर आपके छोटी लड़कियां सताते और इनके अपने भाई डीएम करके बताते, आ जाओ हम मिला दे आपको एबीजे और काम से, वो 14 की है उस पे है बड़े सबूत सारे, पर डर रही वो आगे आने से है कहती इनके रिश्ते नाते, कंधे लोगों से और गैंगस्टरों के साथ ये पीते खाते, ये घर का ना काट का रहेगा हमारे नाम से डरेगा, हमें जब याद करेगा तब ये सिर से गिरेगा टूटे इस कांच से कटेगा और ना दबे गिरेगा,
रहता अब और ये गिरेगा, काम को साथ ले डूबेगा। नैरेटिव घुमाने की कोशिश की जा रही है ऐसे में जो भी म्यूचुअल है ना पेजेस के साथ, ये लोग ना जा जाके ना पेजेस को बोल रहे कि ना हम आपको आगे ना वर्क ऑफर करेंगे, आप बदले में ना एसएम को थोड़ा लिमिट में क्रिटिसाइज करो और एसओएस को थोड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज करो। ये लोग पैसे भी ऑफर करने को रेडी है एक एक बंदे को, एक एक पेज को, ठीक है। और ये ना निर्भया वाली जो क्लिप है, वेट बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो, तेरा भाई सीधे मौत की जगह तेरा भाई मॉलेस्ट है, मॉलेस्ट है ये। और बोले कि 14 साल की लड़की के साथ वापस ये किया है। जोर से बोलो, फेवरेट रैपर आपके, फेवरेट रैपर आपकी छोटी लड़कियों के, छोटी लड़कियां सताते और इनके अपने भाई डीएम करके बताते, आ जाओ हम मिला दे आपको ए बी जे और काम से। वो 14 की है उस पे है बड़े सबूत सारे, पर डर रही वो आगे आने से है, कहती इनके रिश्ते नाते कंधे लोगों से और गैंगस्टरों के साथ ये पीते खाते। ये कर कना काट का रहेगा, हमारे नाम से डरेगा, हमें जब याद करेगा तब ये सिर से गिरेगा टूटे। मतलब क्या है अभी, क्या सच है क्या झूठ है अभी, क्या समझे। 14 साल ये फ्लो एक लाइन 30 की, एक लाइन SOS, एक लाइन 30 की, वो सीधे मौत की कॉपी है पहले तो। और वो बोल रहे हैं कि 14 साल की लड़की को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, और उनके साथ उनके पास प्रूफ भी है, और जो बोला है वो भी उनका भाई है, उन्होंने ही बोला है कि चल तुझे ए बी जो और काम से मिलाता हूँ, और उन्होंने ही बोला है कि भाई ये सब हो रहा है। लड़की बोली कि मैं प्रूफ है लेकिन नहीं दूंगी, क्योंकि उनके दोस्त सारे गैंगस्टर है और सारे उनके साथ खाते पीते हैं। हमारे नाम से डरेगा, हमें जब याद करेगा तब ये सिर से गिरेगा टूटे इस कांच से कटेगा, और ना दबे ये गिरेगा कितना बोर ये गिरेगा काम को साथ ले डूबेगा। घुमाने की कोशिश की जा रही है ऐसे में जो भी म्यूचुअल है ना पेजेस के साथ, ये लोग ना जाके है ना पेजेस को बोल रहे कि ना हम आपको आगे ना वर्क ऑफर करेंगे, आप बदले में ना एसएम को थोड़ा लिमिट में क्रिटिसाइज करो और एसओएस को थोड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज करो। ये लोग पैसे भी ऑफर करने को रेडी है एक एक बंदे को, एक एक पेज को, ठीक है। और ना ये निर्भया वाली जो क्लिप है ना, वो भी ना बहुत पेजेस को हटाने बोले कि आप ये सब मत डालो, इसके ना गलत इफेक्ट पड़ता है हमारी इमेज पे, हम आपको काम देंगे अगर आप लोग है ना हमारी हेल्प करोगे तो, ये वो सब कर रहे हैं। मतलब ये किसी फैन पेज या मीम का जो डीएचएस का फैन होता है, आदमी उसका फोन लग रहा था उन लोगों पे, एसओएस भाई, उन्होंने बोला कि ये मेरे पे कॉल आता है, दूसरे पे कॉल आता है, वो बोलता है ये सब हटा दो, इसको ज्यादा प्रमोट करो, इसको कम करो, थोड़ा कम ट्रोल करो और एसओएस को ज्यादा ट्रोल करो, इसलिए ऐसा लगे कि भाई आप लोग भी मिले हुए नहीं हो मेरे से, आप लोग सही बता रहे हो, लेकिन नॉट कंप्लीट कंफ्यूजन। हाँ, बीफ कंप्लीट, क्या सच है कौन, हाँ सच है कौन, और क्या प्रूफ हुआ, और क्या कौन विनर है वो भी अभी कुछ पता नहीं चला है। और ये लोग तो बोल रहे हैं कि अभी भाई तू प्रूफ के साथ था, और तू ज्यादा बोलेगा तो अभी तो कोर्ट में ही मिलेंगे, और कोर्ट में आते ही तुझे साथ कौन सच्चा है कौन पत्थरबाज है, और एंड इज नियर, एंड इज नियर, वो आगे स्टार्टिंग में समवन एंड इज नियर, हाँ, इसलिए अभी क्या क्या कुछ कर रहे हैं सीधे मौत भाई, एसओएस भाई। अभी कल मैंने पोस्ट देखा था तो सीधे मौत पूरे कश्मीर में थे और फुल ऑन मौज कर रहे थे, वो मैंने पोस्ट देखा था। अभी क्या चाल है दोनों के बीच में कुछ पता नहीं कुछ कर रहे भी हो सकता है, हाँ शॉर्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बीफ मतलब बहुत पर्सनल जा रही है और पर्सनल चीजों भी आ रही है अभी तो देखेंगे की लोगों ने अपनी जान भी गवाई बीफ की वजह से, तो देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है फ्यूचर में। मैं तो ऐसा ही सोच रहा हूं कि बहुत ज्यादा आप बोलेगा तो सीधा कोर्ट में भी, कोर्ट में मिलेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो है, और आगे स्टार्टिंग में द एंड इज नियर, तो दो साइन मिल चुके हैं इसके अंदर होने वाला है, कुछ नहीं बताए। ओके गाइस, तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, हम ऐसे नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।